गर्मी आते ही सूबे में जल संकट कोई नई बात नहीं है। हर साल त्राहिमाम की स्थिति यहाँ आम बात है, लेकिन भीलवाड़ा के लोगों को इंतजार था कि सीएम राजे के ड्रीम प्रोजेक्ट से पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी, लेकिन इस प्रोजेक्ट के आने के बाद भी यहाँ हालात जस के तस हैं। सरकार ने लोगों के दुख दूर करने के लिए 1600 करोड़ रुपए की लागत से ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया था, जिसमें 142 किलोमीटर दूर भैंसरोगढ़ चंबल से पानी लाया जाना तय था। 6 साल में ये काम पूरा हुआ, लेकिन लोग आज भी प्यासे की प्यासे हैं। पानी की सुविधा होते हुए भी यहाँ भी कोई पानी नहीं मिल पा रहा है। कुएं बहुत दूर है, कुएं भी दूर पड़ती है। यहाँ घाटी बहुत है, 100 फीट की करीब घाटी ऊंची चढ़नी पड़ती है और यहाँ पानी से बहुत परेशान है। भीलवाड़ा में पेयजल का मुद्दा काफी पुराना है। इसी मुद्दे को लेकर दोनों ही पार्टियां एक अरसे तक चुनाव में आमने सामने होती रही हैं, क्योंकि इस योजना को मंजूरी कांग्रेस ने दी और बजट बीजेपी ने पास किया। ऐसे में परियोजना प्यास बुझाए या ना बुझाए, वोट जरूर दिला सकती है। 2009 में कांग्रेस ने चंबल की बात करके चुनाव जीता लोकसभा का, और ये भी कहा था कि यदि चंबल का पानी नहीं आएगा तो सीपी जोशी वापस भीलवाड़ा नहीं आएंगे। 2009 से 2013 तक चंबल परियोजना केवल कागजों में रही, यहां तक कि एनएचएआई की कई जगह एनओसीज नहीं मिली, यहां तक कि वन विभाग की फॉरेस्ट की एनओसीज नहीं मिली। प्राइम एनओसीज अगर क्लियर नहीं है तो मैं नहीं समझता कि उस परियोजना का व्यावहारिक रूप से कोई अर्थ है। भीलवाड़ा शुरू से जब जब पानी का स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, आम आदमी पानी के लिए संघर्षरत था। जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस के नेताओं की सूझबूझ से भीलवाड़ा को पेयजल समस्या से निजात मिली है। इसका मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाहूंगा। आज हम बहुत पुरानी बात करते हैं तो मेजर डैम हमारे बहुत वरिष्ठ नेता स्वर्गीय राम प्रसाद जी लड्डा साहब की देन है। उसके बाद की तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ककरुलिया घाटी योजना देवेंद्र सिंह जी साहब लाए। देवेंद्र सिंह जी के समय में हम लोग बनास से पाइपलाइन डाल के शहर को पानी पिलाया। इस परियोजना को साल 2045 के हिसाब से डिजाइन किया गया था, लेकिन पानी की सप्लाई का अंतराल 120 घंटे तक पहुँच जाने से सब कुछ बेकार हो चुका है। नई पाइपलाइन बिछानी थी, नई टंकियों का निर्माण होना था, पुरानी टंकियों से उसका कोई संबंध नहीं था। पूरी एक तरह से वो एक नई योजना है, परंतु या प्रशासन का राज्य के किसी की उस पर निगाह नहीं होना, या राज्य की लापरवाही होना, और उसमें जिस तरह से जिस लेवल के पाइप लगने चाहिए थे, जिस क्वालिटी के पाइप लगने चाहिए थे, उस क्वालिटी के पाइप नहीं लग रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत जिले में 3338 कार्य स्वीकृत किए गए, जिनमें से लगभग सभी काम पूरे कर लिए गए, लेकिन प्यास बुझाने में ये योजनाएं भी कारगर साबित नहीं हुए। वर्तमान में भीलवाड़ा शहर में चंबल का जो प्रोजेक्ट आ जाने से काफी रिलीफ है। पूर्व में जिस तरह की स्थितियां थी कि पहले वाटर ट्रेन से भी यहाँ पानी आता था या काफी गैप के बाद पानी सप्लाई होता था, उसमें काफी सुधार है। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट के आने से सिटी में काफी जगह जो है प्रतिदिन पेयजल सप्लाई की जा रही है। पीएसडी और चंबल के जो अधिकारी हैं उनको भी मीटिंग्स में प्राय निर्देशित किया जाता है कि जो लीकेज वगैरह हैं उनको दुरुस्त करें। कुदरत का कहर कहें या फिर सरकारी बाबुओं की कुव्यवस्था, हकीकत ये है कि जनता प्यासी है। सवाल यही है कि क्या अब इस ड्रीम प्रोजेक्ट को अपना समझकर भुला देना ही वक्त की मांग है। इंतजार है कि ये प्यास आखिर कब बुझेगी। दिलशाद खान, जी मीडिया, भीलवाड़ा।